Hi, Rahman Rahim. Assalamu alaikum. How are you, class 1? Hope you all are fine. Okay, students, open your Islamiyat book. Page number is 14. Today, we are starting a new chapter named Quran Majid. Aaj main aapko Quran Azim, jo hamari muazziz aur pyari kitab hai, iske bare mein bataungi. Quran Majid ek ilhami kitab hai aur Allah Taala ne char ilhami kitabe nazil ki, jinke naam hai Torat, زبور انجیر اور قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا قرآن مجید رمضان المبارک کی 27 رات کو نازل ہونا شروع ہوا اور 23 سال میں مکمل ہوا स्टूडेंट्स आप अपनी छोटी क्लासेस में हमारी यानी प्रेप क्लास में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि कुरान मजीद में कुल कितने सिपारे हैं जी 30 सिपारे हैं और कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए नाजिल किया ताकि भटके हुए इंसान इस्लाम की तरफ वापस आ सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और इसके बाद कोई भी किताब नाजिल नहीं होगी क्योंकि कुरान मजीद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने सपोर्ट दिया तो हमें भी चाहिए कि कुरान मजीद पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें और इसका पढ़ना हमारी ज़िंदगी और आखिरत के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद आपने हज़रत आयशा साहिबा जब क्लास में आई तो उन्होंने बच्चों से कहा यहाँ से लेकर आपको कंप्लीट करनी रीडिंग और 23 साल में मुकम्मल हुआ यहाँ तक आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके बाद आपको वर्कशीट दी जा रही है जिस पे खाली जगह हैं और MCQs हैं आपने खाली जगह को और MCQs को अच्छे तरीके से पढ़ना है तोड़ के साथ और उसको याद करना है और अपनी इस्लामियत की कॉपीज़ पर लिख लेना है स्टे ब्लेस्ड थैंक यू सो मच